हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मिला एकदम मस्त और जबरदस्त और एकदम बढ़िया सी चीज, वो है इंकीगो का कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर। काफी बढ़िया, काफी मजेदार और काफी जबरदस्त स्क्रू ड्राइवर है। बस इसमें ऐसा है कि अपने हाथ की जो मेहनत होती है वो हो जाएगी खत्म। मैंने इसको यूज किया हुआ है वैसे तो, ये देखिए काफी बढ़िया और काफी स्मार्ट है। स्मार्ट तो बोलूंगा क्योंकि इसका चार्जर भी बड़ी स्मार्ट है, कहीं भी इसको चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं वो गोल मिंडी वाला चार्जर डालो। तो आज हम करेंगे इसकी अच्छे से अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे यूज करना है, किस हिसाब से यूज करना है, इसके साथ और क्या क्या चीजें दी गई है, क्या क्या चीजें नहीं दी गई है। ऐसे तो जितनी जरूरत की सारी चीजें दी गई है। तो ये है एक वन पीस इंकीगो का वायरलेस स्क्रू ड्राइवर। साथ में इसके बारे में बात करेंगे तो ये है पावर का, यहां से हम इसको बंद चालू कर सकते हैं। और इसमें एक फीचर अच्छा है कि इसके अंदर ये 5 सेकंड्स की लाइट देते हैं। अब देखिए, ठीक है, सेकंड चीज है इसका, इसको टॉर्सन या टॉर्क्यू बोलते हैं, क्या मालूम क्या बोलते हैं, जिससे इसका पावर बढ़ता है। जैसे अभी आप ये देखिए, ये स्पीड देखिए, अभी कम कर दो, थोड़ा थोड़ा कम होएगा, मेरे को तो एक ही लगता है। ये इसका टॉर्क्यू टॉर्शन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बढ़ाने का है ये स्विच। और ये है फर्स्ट, मतलब ये आएगा आगे, ये आएगा रिवर्स। और साथ में ये जितने भी आप देख रहे हैं ये टोटल 42 के सेट है। और ये क्या, ये 4 वोल्ट की है, इसका बॉक्स कुछ ऐसा आता है। काफी बॉक्स की भी पैकिंग जबरदस्त है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक दिया हुआ है और ये है इनको की लिथियम लायन कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर, इसको बोला जाता है कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके जो पुर्जे दिए गए छोटे छोटे उसको कहां से और किस हिसाब से और कैसे यूज करना है। सो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने ला दिया है एक लकड़ा, तो अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जो है हम यूज करेंगे चार मुंडी वाला, मेरी भाषा में तो मैं इसको चार मुंडी वाला बोलता हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसका इंग्लिश का नाम तो मुझे याद नहीं है। तो ये वाला, अब इसके हिसाब से मैं अंदर से स्क्रू निकाल दूं। तो इसके हिसाब से अगर हम पकड़ेंगे तो ये रहा, ये चार मुंडी वाला स्क्रू। तो अभी हम इसे ऐसे करना है और यहां से इसको फर्स्ट में डालेंगे, मतलब कि फ्रंट। यहां से आपको धीरे 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 यहां से इसको ऐसे क्लिक करना है, यहां से हाथ रखना और यहां से इसको बस घुमाना है। आप देख रहे हो जैसे कि अभी ये रुक रहा है, तो अभी क्या करना है, इसका जो टॉर्शन है वो बढ़ाना है पूरा। तो ये जो है पूरा अंदर धस चुका है और यहां से बाहर नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा अंदर जो है फिट हो चुका है। इसको ज्यादा दबाने से मशीन खराब नहीं होगी, ये पूरा हो गया फिट। ये देखिए पूरा का पूरा फिट हो चुका है। तो अभी क्या करना है, हमें इसे वापस निकालना है। अगर आप इसका ये कम रखोगे तो ये नहीं निकाल पाएगा। चलो फिर भी ट्राई करके देख लेते, ये नहीं निकाल पाएगा क्योंकि एक बार में नहीं होता है। तो इसको करना है फुल, क्योंकि दो लकड़े हैं इसलिए, तो यहां से इसको अंदर जमा करने का मतलब बिठाना है। तो दबन तो यहां से जो ये पूरा निकल चुका है। तो ये जो है चार मुंडी वाले का यही काम था। अभी हम इस्तेमाल करेंगे सिंगल मुंडी वाला। सिंगल मुंडी वाला मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूं, बिकॉज क्या है कि इसमें ये बार बार हाथ से छूट जाता है। तो इसको तो मैं अलग से लगाऊंगा ताकि के आपको यूज आए। अगर आपको जब भी जैसे एक लकड़ा हो तो आप इसका ये जो है ये कम कर सकते हैं तीन पे, पर अभी इसमें डबल लग रहा है तो मुझे फूल ही करना पड़ेगा। तो चलिए इसे मैं लगाता हूं इधर और फिर ये सिंगल मुंडी वाले में क्या है कि ये साला ढंग से बैठता नहीं है, छूट जाता है। ऐसे 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 अच्छे से पकड़ के फिर
ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये ठीक है, ये कहाँ यूज आता है कि कहीं भी आप कुछ ओपन करना चाहते हैं, कुछ बंद करना, कुछ खोलना करना चाहते हैं तो ये चीज, और वो जो सिंगल मुंडी वाला है वो आप यूज कर सकते हैं साथ में ये, इसको जैसे कि कहीं छोटे स्क्रू घुस नहीं रहे तो इसको यहां से ऐसे यूं लगाने का आगे। फिर इसके साथ ये चार मुंडी वाला मैं बता देता आपको, ये लगाया, ये घुसा रहा अंदर, बटन दबाओ और जान दो, सॉरी रिवर्स किया हुआ है, हो गया एकदम मस्त फिट। अभी मैं आपको इसको अंधेरे में करके दिखाता हूं। सो अभी मैं आपको अंधेरे में यूज करके दिखाता हूं इसको, अंधेरे में थोड़ी तकलीफ पड़ती है। तो ये अंदर भी जा रहा है और अभी मैं इसको करूंगा रिवर्स, तो दोस्तों ये देखिए आप बाहर भी आ चुका है। सो गाइस इसकी जो बैटरी है वो कंटिन्यूस अगर आप यूज करोगे तो वो आधा घंटा ही चलेगी, और इसका जो चार्जिंग का जो सॉकेट है वो एकदम नॉर्मल पिन वाला है, और आप इसे धीरे धीरे करके यूज करोगे, अच्छे से यूज करोगे तो मिनिमम एक घंटा तो चल नहीं जाए। मैंने इसको काफी यूज किया है, काफी बढ़िया, हर जगह ओपन कुछ भी खुल जाता है इससे, और ये जस्ट लाइक थोड़ा नॉर्मल समझे तो स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करती है, एकदम बेस्ट बढ़िया है। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।